सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम लोग कवर कर रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है, सदिश एवं अदिश राशियां, जिसको इंग्लिश में वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो सदिश एवं अदिश राशियां के जितने भी डिफिनेशंस हैं, उसके पार्ट हैं उसको, और साथ में इसका न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सदिश एवं अदिश राशियां में सबसे पहला जो पॉइंट है वो अदिश राशियां। अदिश राशियां को इंग्लिश में कहते हैं स्कालर क्वांटिटीज। अदिश राशियां क्या होती हैं वो देखिए। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, इन्हें अदिश राशियां कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य तथा ऊर्जा, ये जितनी भी राशियाँ हैं वो आती हैं अदिश राशियाँ में। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं उसको देखिए। सदिश राशियों को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, भार, वैद्युत क्षेत्र, ये जितने भी राशियाँ हैं वो होती हैं सदिश राशियाँ। और इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं, विद्युत धारा जो है वो भी अदिश राशियाँ के अंतर्गत आता है, और वैद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशियों के अंतर्गत आता है। वैद्युत धारा अदिश राशि में क्यों आता है, क्योंकि ये वेक्टर बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक्स देखिए, सदिश निरूपण, वेक्टर नोटेशंस। इसमें देखिए, सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर की नोक, जिसे वाराग्र कहते हैं, सदिश की दिशा में व्यक्त करती है, तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। सदिश ए को ए एरो से निरूपित करते हैं, मीन्स यदि कोई वेक्टर है ये वो सदिश है तो उसके ऊपर ए बाढ़ लग जाता है, इसे कहते हैं सदिश निरूपण। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है शून्य सदिश, जीरो आर नल वेक्टर क्या होता है उसको देखिए। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो और उसकी दिशा अनिश्चित हो, शून्य सदिश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू बी आर, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये होता है शून्य सदिश, इसी को कहते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण वन हो, एकांक सदिश कहलाता है। यदि ए एक सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है, तो ए की दिशा में एकांक वेक्टर को वेक्टर ए लिखा जाता है, मीन्स ए पर एरो लगा दिया जाता है, कैप लगा दिया जाता है, और इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए कैप इक्वल टू ए अपान मार्ड ए होता है। फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सदिशों का योग, मीन्स एडिशंस ऑफ वेक्टर। सदिशों का योग कैसे होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको देखिए। कह रहा है, सदिश राशियों को बीजगणितीय के साधारण नियमों के अनुसार घटाया अथवा जोड़ा नहीं जाता है, जबकि अदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय के नियम के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जाता है। लेकिन सदिश राशि जो है उसको बीजगणितीय के साधारण नियमों के अनुसार घटाया अथवा जोड़ा क्यों नहीं जाता है उसको देखिए। यदि दोनों सदिश ए तथा ए डैश दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों सदिशों का योग मीन्स आर इक्वल टू ए प्लस ए डैश होगा। यदि सदिश ए डैश सदिश ए की विपरीत दिशा में है, तो सदिशों का योग आर इक्वल टू ए प्लस, और इसको माइनस सिंबल के साथ लिखा जाता है, माइनस ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश होगा। इसको डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में, तो इसको डायरेक्टली ए माइनस ए डैश नहीं लिख सकते हैं, इसको हमेशा सिंबल के साथ लिखा जाता है, मीन्स योग है, तो ए प्लस और माइनस ए डैश लिखा जाता है। और इसकी आवश्यक शर्तें भी हैं, जैसे फर्स्ट है त्रिभुज का नियम, ला ट्रायंगल। तो त्रिभुज के नियम में क्या होता है, इस नियम को सिर पूछ का नियम भी कहा जाता है। इसमें एक सदिश के सिर पर या सिरे पे दूसरे सदिश की पूछ इस प्रकार से रखते हैं कि उनकी दिशा अपरिवर्तित रहे, और हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिलता है, और परिणामी सदिश क्या है, आर। इस फिगर में देखिए, जैसे देखिए, इसका ए हेड है, इसका सिर पूछ है, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है, ए बी सी है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, पाई माइनस थीटा है, और ए उसका परिणामी सदिश आर है, ठीक है। तो आर इक्वल टू प्लस के लिए क्या होता है, ए प्लस ए डैश, और यदि विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस और माइनस ए डैश होता है। यहाँ थीटा ए तथा बी के बीच का कोण है, जो थीटा है ए एंड बी के बीच का कोण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक्स देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम, ला ऑफ पैरेलल गोरम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है देखिए,
इसमें दो सदिशों ए एंड बी को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माड ऑफ आर, यहाँ पर आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। तथा यदि परिणामी सदिश आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता हो तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में एक फार्मूला का यूज हो सकता है। और यहाँ दोनों सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कुछ लॉजिक दिया हुआ उसका वेक्टर का, जैसे यहाँ पर स्थितियाँ हैं थीटा है, आर है परिणामी और इसका विशेष दिया हुआ। जैसे पॉइंट नंबर वन में देखिए थीटा इक्वल टू यदि 90 डिग्री है तो परिणामी आर इक्वल टू जीरो होगा और उसका विशेष क्या होगा, शून्य सदिश होगा। यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो आर इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी और ओ न्यूनतम होगा। यदि थीटा इक्वल टू जीरो है तो आर इक्वल टू ए प्लस बी होगा और वो क्या होगा, महत्तम होगा। इसको आप लर्न रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, सदिशों का वियोजन एनालिटिक्स ऑफ द वेक्टर। सदिशों का वियोजन मीन्स कैसे होता हो, देखिए जैसे यदि एक्स वाई तल में एक सदिश ए इस तरह से है कि यक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ इसका कोण थीटा है, फिगर में देखिए, तो सदिश का वियोजन इस प्रकार होगा कि ओ ए डैश इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ओ ए डबल डैश इक्वल टू ए साइन थीटा होगी। यहाँ पर देखिए ओ ए डैश के लिए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा होगा एंड लंब के साथ देखिए क्या बना रहा है, ओ ए डबल डैश के लिए ए साइन थीटा होगा। इस प्रकार ए कॉस थीटा तथा ए साइन थीटा सदिश ए के क्रमशः ओ एक्स की दिशा तथा ओ वाई की दिशा में घटक हैं। फ्रेंड्स इस सिलेबस का, इस अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देखिए क्या कह रहा है। जैसे फर्स्ट है भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, अदिश तथा सदिश। अदिश राशि को स्कालर क्वांटिटी कहते हैं एंड सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सेकंड देखिए सदिश होने के लिए आवश्यक है कि इसमें दिशा परिमाण के साथ साथ सदिश होने के लिए यह आवश्यक होती है कि इसमें दिशा परिमाण के साथ साथ भौतिक राशियाँ सदिशों के योग का त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करें। मीन्स यदि सदिश है तो ठीक है उसमें दिशा के साथ साथ परिणाम होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें त्रिभुज या चतुर्भुज के नियम का पालन भी करने चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, दो सदिशों जिनके बीच का कोण थीटा है के परिणामी का मापांक उनके बीच के कोण पर डिपेंड करता है। मापांक आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, तब अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अदिश राशियों का जोड़ अथवा घटाव बीजगणित के सामान्य नियमों के द्वारा की जाती है, अदिश राशियों का, जबकि सदिशों का नहीं होता है। सदिश के लिए आवश्यक है कि दिशा के साथ साथ उसमें परिमाण भी हो और वो त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करें, उसके रूल को फॉलो करें। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं किंतु यह सदिश नहीं है क्योंकि ये वेक्टर बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, इसका सिंपल रीजन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब इस चैप्टर का जो है थ्योरी वो समाप्त हुआ, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है यदि दो बल सदिशों के परिमाण 3 न्यूटन तथा 3 न्यूटन है, इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, ठीक है, इस प्रकार से लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा, थीटा पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, उसका ए भी 3 न्यूटन दिया हुआ है, बी भी 3 न्यूटन दिया हुआ है, उसका आर भी 3 न्यूटन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, दिया है ए इक्वल टू 3 न्यूटन, बी इक्वल टू 3 न्यूटन एंड आर इक्वल टू भी 3 न्यूटन। तो हम जानते हैं परिणामी सदिश आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 3 इंटू कॉस थीटा गुणा इसका स्क्वायर की 3 × 3 9 इक्वल टू 3 × 3 9 प्लस 3 × 3 9 इक्वल टू 3 × 6 6 × 3 18 कॉस थीटा, या यहाँ से 9 = 18 प्लस 18 कॉस थीटा, यहाँ से 18 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 - 18 यानी कि -9, या कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -9/18। -9/18 को हम कट किए हैं, उसको शॉर्ट किए हैं,
तो माइनस वन अपॉन टू आया है, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितने की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू होती है, तो 120 अंश की डिग्री होती है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 120 अंश, कॉस डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो बल सदिशों का परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनके बीच परिणामी बल का परिमाण कितना होगा। ठीक है, सदिशों का परिमाण कितना दिया, 6 तथा 8 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का थीटा होगा। आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ 6 एंड बी का 8, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 8 गुणे 2 इंटू कॉस 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों लिया गया है, क्योंकि कह रहा है और ये परस्पर लंबवत हैं, लंबवत हैं तो ठीक थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए आर का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 8 हटी है 64 एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, इसलिए पूरा ये जो पार्ट है जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64, आर इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 64, यानी कि आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कह रहा है किसी पिंड पर 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो परिणामी बल का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, दो पिंड हैं उन पे दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन, मीन्स ए का मान दिया हुआ है 4 न्यूटन एंड बी का मान दिया हुआ 3 न्यूटन, और कह रहा है कि दो बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो परिणामी बल का मान बतलाइए कितना होगा, मीन्स आर पूछ रहा है, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, आर का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, यहाँ से पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो, इसलिए आर का स्क्वायर इक्वल टू 4 चक्को 16 3 त्रिके 9 और ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए आर इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी कि आर इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए आर इक्वल टू 5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 से न्यूमेरिकल नंबर 8 तक कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि इसके पहले जितनी भी पढ़ाई जिस चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसी में से पूछा गया है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 4 कह रहा है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ऑप्शन ए बल, बी वेग, सी विस्थापन, डी आयतन, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी अदिश राशि है, अब तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, ऑप्शन ए धारा, बी वैद्युत क्षेत्र, सी दूरी एंड डी आयतन। फ्रेंड्स आपको अभी पीछे ही जस्ट पढ़ाया गया है, यदि आप क्लियर किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है, एक ही सही है उसमें से, आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एकांक सदिश का परिमाण होता है कितना होता है, ऑप्शन ए एक, बी शून्य, सी अनंत एंड डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यदि आपको नहीं आ रहा तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है तो उनके बीच का कोण कितना होगा। क्वेश्चन एक बार और देखिए, दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, ठीक है, तो उनके बीच का कोण कितना होगा, ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 45 डिग्री एंड डी 0 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है, कमेंट करके बताइए, यदि नहीं आ रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी बड़े भैया या टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं या फिर कमेंट करके मुझसे ही पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, शून्य सदिश की दिशा होती है ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।